एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया, एंड आई वेलकम यू टू आवर इनिशिएटिव वेयर वी डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम ऑफ एसएससी सीजीएल 2024। ये हमारी वो वाली सीरीज है जहां पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए उनको डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इकोनॉमी के ऊपर है, बट इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके उन रिस्पेक्टिव जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, राइट, आपके जीएस के और टॉपिक साइंस एंड टेक है, आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग, राइट, सब कुछ कवर किया जाता है हमारे यहाँ पर। ऑल वी वॉन्ट इज यू टू जस्ट फॉलो अभिपीडिया। हम चाहते हैं कि बस आप अभिपीडिया को फॉलो कीजिए, आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली कवर होते चले जाएंगे, और बहुत ही एफिशिएंट मैनर में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, राइट। बट इसके अलावा भी अगर आप ऑप्शन चाहते हैं जहां पर आपका और अच्छे से कवरेज हो सके, बिल्कुल एक ही जगह पर सब कुछ आपको मिल जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, बट वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, राइट। उसके अलावा भी वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, वी हैव अ लॉट ऑफ बंडल ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टेट अप स्टार्ट अवर वीडियो। हमारी आज की वीडियो इकोनॉमी के ऊपर है, इन्फ्लेशन का टॉपिक है, ऑलरेडी एक लेक्चर इस पे हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले काइंडली वो देख के आइए, काइंडली वॉच दैट बिफोर जंपिंग ऑन टू दिस लेक्चर। ये इसी की कंटिन्यूएशन में है, वो पहले देखें, इसी कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर चल रहा है, राइट, ओके। सो बिफोर दैट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल, हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको इजियर करने के लिए हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है सीजीएल एग्जाम का, राइट, जहां पर सब कुछ डिस्कस किया जाता है अपने एग्जाम से रिलेटेड, ओके ओके। सो एसएससी सीजीएल का ये कोर्स है, एग्जाम कंप्लीट कोर्स है, एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। इट इंक्लूड्स ऑल द वीडियो लेक्चर्स, राइट, वीडियो लेक्चर्स की बात करें आप चाहे पीडीएफ की बात करें, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, राइट, आपका प्रिलिम्स मेंस सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर, और करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो गाइडेंस आपको मिलेगी, जो मेंटरशिप मिलेगी फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, इसी के अंदर इंक्लूडेड है वो, जो कि विच इज मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी से डायग्रेस ना हो, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहे, सही चीजों को पढ़ते रहे, सही तरीके से पढ़ते रहे रादर, राइट। ये सारा कुछ इस कोर्स के अंदर है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके प्रिपरेशन का। एंड अदर थिंग ऑल्सो, ये कोर्स आपका सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं, आपके बाकी एग्जाम जैसे सिकट कराता है उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। और जब इसकी बात करें इसकी प्राइस की, नॉर्मल इसका प्राइस होता है 7500, विच इफ यू आस्क मी विच इज नॉट मच, मेरे हिसाब से 75 से भी ज्यादा नहीं है, कंसिडरिंग जो जो चीजें इसमें आपको प्रोवाइड करी जा रही है। बट स्पेशली आपके लिए एक ऑफर प्रोवाइड करा जा रहा है, और ये आप सिर्फ 4999 के अंदर, 5000 ही पूरे चार्ज नहीं करे जा रहे, 4999 के अंदर आपको पूरा का पूरा एक कोर्स अवेल कर सकते हैं आप, राइट। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके रिगार्डिंग दिस कोर्स यू कैन आस्क फ्रॉम देयर, राइट। सो वी हैव दिस ऑप्शंस फॉर यू, अदर ऑप्शंस आर देयर, और भी बहुत ऑप्शंस हैं, इनकी हम लास्ट में बात करेंगे, राइट, ओके। इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन है, दिस व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक बाय द वे नीचे बायो में मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये व्हाट्सएप ग्रुप। इसको ज्वाइन करके आपको क्या फायदा होगा, आपकी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप इस ग्रुप के अंदर फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेरी रिलेटिंग टू योर एग्जाम यू कैन फ्रीली आस्क फ्रॉम अस इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। द लिंक फॉर दिस ग्रुप इज इन द बायो एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। मैं आपकी जगह होता तो इसको अभी के भी ज्वाइन कर लेता वीडियो को पॉज करके, राइट। सो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ओके। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, ऑल्दो ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट जस्ट एक क्विक रिवीजन हो जाए कि इन्फ्लेशन के बारे में हमने जो पढ़ा था, ओके। इन्फ्लेशन का मतलब था सिंपली, अगर हिंदी में इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, बट उसमें क्या था कि जनरल द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर कॉमोडिटीज एटसेट्रा सब कुछ आता है, एंड द रीजन वॉज डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, उसके अंदर अगर कोई चेंज आता है तो अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन पर इफेक्ट पड़ता है, राइट। एंड दिस इज कंसिडर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम,
कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उसी से तो कंपेयर करोगे आप। अगर आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ रही तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, वहां पे अच्छे से डिस्कस किया गया था। अभी ये सिर्फ एक रिवीजन हो रही है कि इन्फ्लेशन क्या था और क्या नहीं, राइट। इसके बाद हमने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, हमने कई सारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझे थे, जिसके अंदर अपना क्या था। ओके, तो इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप्स भी देखे थे हमने, जिसके अंदर सबसे पहले क्या था आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लेट्स डू वन थिंग, हम स्लाइड से ही देखते हैं, राइट। सी हियर इन्फ्लेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि डिमांड साइड, मतलब अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाए, एक किसी भी तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, लोगों के हाथ में पैसा आता है तो डिमांड बढ़ जाती है उनकी, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड होगा और डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पर इन्फ्लेशन, राइट। ओके, देन कम्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो इंक्रीज हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, टैक्स महंगा हो जाए, टैक्स बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन साइड है उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए चीजें महंगी कर देंगे। तो इस टाइप की इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे आप, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइट। ये सब रिवीजन हो रही है, अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है क्योंकि ये रिवीजन है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है पहले प्रीवियस लेक्चर कवर करके आइए, राइट। ओके, बात आते हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी थी जिसके अंदर हम देखा था डिस इन्फ्लेशन, विच वॉज एक्चुअली रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के रेट में डिक्रीज होने को क्या बोलते थे, डिस इन्फ्लेशन। देन देर वॉज डीफ्लेशन, डीफ्लेशन इज नेगेटिव इन्फ्लेशन, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर जीरो से कम हो जाए। देन देर वॉज रीफ्लेशन, ये होता है राइज इन इन्फ्लेशन, दोबारा से इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ने लग जाए उसको बोलते थे रीफ्लेशन। देन देर वॉज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब अब रेट परसेंटेज है इन्फ्लेशन की उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब 3% से नीचे, विच इज मतलब मैनेजेबल है, डुएबल है, इनफैक्ट इतनी तो होनी भी चाहिए। देन वॉकिंग इन्फ्लेशन 3-7%, ये भी डुएबल है, मैनेज हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जितनी भी इन्फ्लेशन है वो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है उसका इकोनॉमी के ऊपर, लाइक रनिंग इन्फ्लेशन या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब 10% से भी ज्यादा रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाए। देन हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब 30-35%, 40%, जो कि बुरा हाल हो जाए इकोनॉमी का, राइट। देन देयर वाज इंपॉर्टेंट टर्म स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी है और आपकी इन्फ्लेशन भी है। जनरली इन्फ्लेशन के साथ क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, बट स्टैगफ्लेशन ऐसा केस होता है जब वर्स्ट सिचुएशन, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और आपकी रिसेशन भी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है उसकी वजह से, राइट। देन स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन होता है किसी एक कमोडिटी के अंदर महंगाई इन्फ्लेशन आए बट दूसरी किसी चीज के अंदर इन्फ्लेशन ना आए। फॉर एग्जांपल अनियन, आप देखे ना प्याज टमाटर के अंदर महंगे हो जाते हैं लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस सिमिलर रहता है, इस टाइप की इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, स्क्यूफ्लेशन। देन उसके बाद कुछ इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। डिफ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए एग्रीगेट डिमांड से। देन सप्रेस टू रिप्लेस इन्फ्लेशन, कि भाई चीजें महंगी, डिमांड बढ़ रही है सप्लाई से बट गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल कर रखा है, कुछ पॉलिसीज ऐसी लगा रखी है कि इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, रोक के रखा हुआ, सप्रेस करके रखा हुआ, राइट। दिस इज कॉल्ड सप्रेस्ड या फिर रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो ये सब हमने कवर कर लिया था ऑलरेडी, राइट। उसके बाद आती है आपकी ओपन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये सब हम कवर कर चुके हैं, राइट। सो ऑल दिस हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, वहां पर ये सब कुछ कवर ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि भाई करना ही क्यों है ये और ये होता क्या है। सी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक इन्फ्लेशन का एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट तक इन्फ्लेशन का होना इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल इन्फ्लेशन है ही नहीं। क्यों? बिकॉज डिमांड और प्रोडक्शन लिंक्ड है। अब आपकी इकोनॉमी कब बूम करेगी, इकोनॉमी कब रनिंग होती रहेगी, जब प्रोडक्शन होती रहेगी इकोनॉमी के अंदर, मतलब आपकी इकोनॉमी प्रोडक्शन हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लोग परचेज कर रहे हैं, फिर फर्दर इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है, इस वजह से चलता है। लेकिन अगर मान लो डिमांड ही ना हो, मार्केट के अंदर डिमांड ही ना हो किसी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्शन क्यों होगी? सी, प्रोडक्शन होती है डिमांड की वजह से। अगर मार्केट के अंदर डिमांड है चीजों की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, गुड्स की, सर्विसेज की, तो प्रोडक्शन होगी, डेफिनेटली होगी, राइट।
और अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी वजह से प्रोडक्शन होगी, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आएगी, क्योंकि डिमांड जनरली सप्लाई से हमेशा ज्यादा ही रहती है जनरली। तो जिस जैसे से चलता है, अगर डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगी, राइट, और प्रोडक्शन बढ़ने के अगर एम्प्लॉयमेंट रहेगी इकोनॉमी के अंदर, तो यही सर्कल ऑफ इकोनॉमी है, ऐसे इकोनॉमी चलती रहती है। तो एक पॉइंट बीइंग कि इकोनॉमी के अंदर थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होना जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन नहीं रहेगी मतलब डिमांड नहीं है, इसका मतलब इट शोज कि इन्फ्लेशन का ना होना मतलब कि मार्केट में डिमांड नहीं है, और डिमांड का ना होना प्रोडक्शन नहीं चलेगी, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है, राइट। बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए, मतलब अगर महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो उसके इसमें भी क्या होगा, जब इतनी ज्यादा बढ़ जाए चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो लोग परचेज भी नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके इसमें डिमांड डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होनी चाहिए इन्फ्लेशन, ना ज्यादा ना बिल्कुल कम। सो वही टारगेट है यहां पर, पहली बात तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, वही चीज को मेंटेन करने की ट्राई करी जा रही है, राइट। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन टारगेटिंग की इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें तो कितनी रेंज रखी गई है, पहली बात तो फैक्ट्स देखेंगे कौन मेंटेन करता है क्या उस पर आएंगे, बट पहले देखते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखी कितनी गई है। एक ऑप्टिमम इन्फ्लेशन मानी जाती है हमारे यहां पर 4%, राइट, 4%। लेकिन जो रेंज है वो इसी के 4 ± 2% करी हुई है, कि 4 से 2 ज्यादा या 2 कम पे चल जाएगी, मतलब जो रेंज है ये 2 to 6%, 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, ये टारगेट रहता है पहली बात तो, कि 2% से लेकर 6%, मोर ऑर लेस 4% के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए, 4 से ज्यादा ना नीचे ना कम, बट मैक्सिमम से 6, मिनिमम से मिनिमम 2, राइट, ओके। अब बात करते हैं पहली चीज कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। इसके दो ऑब्जेक्टिव है, जनरली हमें पता होता है प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई प्राइस को स्टेबल करने के लिए, जो कि प्राइमर फेस दिखता है एकदम साफ साफ कि भाई इसलिए करा जाता है कि प्राइस मेंटेन रहे, ऑप्टिमम प्राइस लेवल रहे, बट द रियल ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ। वही है ना रियल ऑब्जेक्टिव, कि भाई एक इन्फ्लेशन इसके अंदर मेंटेन रहे, डिमांड मेंटेन रहे, डिमांड बनी रहे, प्रोडक्शन होती रहे, इकोनॉमी चलती रहे, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती रहे, ये टारगेट होता है एक्चुअली, ये मेन टारगेट मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है, रादर आई शुड से इन्फ्लेशन टारगेटिंग में मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये करेक्ट है, इसको गलत मत समझना, इनफैक्ट ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है प्राइस स्टेबिलिटी से भी ज्यादा, राइट। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के ऊपर कि कौन कंट्रोल करता है इसको, किसको टास्क दिया हुआ है ये काम करने का, किसको टास्क दिया हुआ है ये। पहली बात करता है आरबीआई, ये आरबीआई को काम दिया हुआ है कि आप मेंटेन करेंगे, ये आपका काम है इंश्योर करना कि इन्फ्लेशन जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मेंटेन रहे, उससे आगे पीछे ना जाए। और ये जो रेंज हमने डिसाइड करी थी अभी 2 to 6% वाली, ये कौन डिसाइड करता है, क्या ये आरबीआई डिसाइड करेगा? सो द आंसर इज ये डिसाइड अल्टीमेटली करती है गवर्नमेंट, बट कंसल्टेशन लेती है आरबीआई की, ऐसा नहीं है कि आरबीआई डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट का अल्टीमेट डिसीजन चलेगा, अब आरबीआई की सिर्फ कंसल्टेशन ली जा रही होती है, बट आरबीआई कंसल्टेशन को बेसिकली मान लिया जा रहा होता है वैसे, और हर 5 साल बाद इसको रिवाइज किया जाता है। अभी रिसेंटली रिवाइज नहीं किया, मतलब इसे हर 5 साल में रिविजिट किया जाता है कि क्या जरूरत है कि नहीं इस रेंज को चेंज करने की। अभी रिसेंटली रिविजिट किया गया था, बट चेंज नहीं किया गया, तो मेंटेन अभी भी 2 से 6% ही है और यही चल रही है, राइट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेसिकली कैसे किया जा रहा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी जो फॉर्मेशन है उसका काम बेसिकली यही होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी, जो हम पढ़ते भी है, जो पढ़े अभी देखेंगे, ठीक है। बट ये सब फैक्ट्स है, आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव जरूर पहले समझ में आना चाहिए। फैक्ट्स ये है कि करा कैसे जा रहा होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और वो कौन करेगा, वो आरबीआई करेगा। पहले जो है आरबीआई खुद करता था, एज सच कोई अलग से उसके लिए कमिटी नहीं बना रखी थी, पर 2016 के अंदर इन 2016 एक कमिटी बना दी गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि आरबीआई के अंदर से ही फॉर्म होगी, जिसका प्राइम काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और ये मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मेशन मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेसिकली, राइट। ये कैसे करता है, इसके पास कुछ टूल्स होते हैं, राइट, उनको फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, आगे कवर करेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी को अलग से पढ़ाएंगे,
जब कवर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे दो टूल्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स, उनके थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में इनफैक्ट कवर करेंगे उनको, क्लियर है। बट अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कर रही होती है। पहले आरबीआई ही करता रहा ये वाला काम, बट 2016 के बाद एक प्रॉपर एक स्टेट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, स्टेट्यूटरी बॉडी है बाय द वे, राइट। एक एक्ट पास किया गया था, ये वाला देख रहे हो, आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया और एक नई बॉडी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि आरबीआई के अंदर से ही फॉर्म होती है, राइट, जिसका काम था मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन, बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेटिंग, क्लियर है। ओके, सो नाउ लेट्स, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी मैंडेटरी है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट हैज टू बी मीट आफ्टर, मतलब साल के अंदर कम से कम तीन बार, सॉरी फोर टाइम्स, कम से कम चार बार जरूर मिलना ही मिलना है, चार बार मीटिंग होनी चाहिए, मतलब आफ्टर एवरी थ्री मंथ्स, ये इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। बट कन्वेंशन बेसिकली क्या है कि आफ्टर एवरी टू मंथ्स, हर दो महीने के बाद ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिल रही होती है, बट तभी तो बाय मंथली रिपोर्ट आती है, हर दो महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आउट होती है, लेकिन एक्ट के अंदर चार बार मिलना, मतलब तीन महीने बाद, पहली चीज तो ये। उसके बाद आते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, सिक्स मेंबर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ सिक्स मेंबर कमेटी, छह मेंबर की कमेटी है, जिसमें से आपके तीन जो है वो आरबीआई की साइड से होते हैं और रिमेनिंग थ्री आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से होते हैं, और इसका चेयरपर्सन कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन, राइट। सी यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, सिक्स मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 के अंदर बनाई गई थी आरबीआई एक्ट को अमेंड करके, द कमिटी शुड मीट एटलीस्ट फोर टाइम्स अ ईयर बट द नॉर्म इज ऑफ टू मंथ्स, इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स मेंबर्स, आरबीआई गवर्नर एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, राइट, डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑफिसर ऑफ बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। ये क्या लिखा हुआ है, जो हमने तीन मेंबर आपको बताया ना कि आरबीआई के अंदर, सॉरी आरबीआई कह रहा हूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर सिक्स मेंबर्स है, सिक्स में से आपके तीन जो है वो आरबीआई की साइड से है और बाकी जो तीन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से है, राइट। अब आरबीआई की साइड से कौन कौन होगा, गवर्नर साहब होंगे आरबीआई के, ठीक है, जो कि इसके चेयरपर्सन भी होंगे, देन डिप्यूटी गवर्नर भी होंगे, और डिप्यूटी गवर्नर बेसिकली चार होते हैं, इन चारों में से कौन से डिप्यूटी गवर्नर होंगे ये गवर्नर डिसाइड करते हैं। उसके बाद एक और ऑफिसर होंगे जो कि आरबीआई के साइड से ही होंगे, जिनको अगेन आरबीआई के गवर्नर डिसाइड करेंगे, वो नॉमिनेट करेंगे उसके बाद तीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद नॉमिनेट करके भेजेगी, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है नॉमिनेट करके जो भेजती है तीन मेंबर्स। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, आपके जो मेंबर्स है ये कंपोजिशन होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, नाउ लेट्स डील विद सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, राइट, तो दो चार क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं, सो दैट चीजें थोड़ी सी दिमाग में बैठ जाए। पहला क्वेश्चन है, हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन द सप्लाई ऑफ मनी। ओके, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन लेट मी रिवाइज द प्रोटोकॉल फॉर यू। आपको क्वेश्चन देखते ही वीडियो को करना है पॉज, खुद करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट, राइट, अपने आप अटेम्प्ट करना है, फिर वीडियो को प्ले करके देखना है कि क्या आपने जो आंसर किया वो करेक्ट था या इनकरेक्ट। अगर करेक्ट था तो वेल एंड गुड, इनकरेक्ट था तो वीडियो को दोबारा देखिए, इंश्योर करिए कि कहां गड़बड़ कर रही है, क्या मिस आउट कर दिया आपने, बिकॉज गलतियों को यहीं के यहीं ठीक करना, रेक्टिफाई अभी के भी करना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन पे आते हैं, हाई इन्फ्लेशन लेवल्स इन द इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन द सप्लाई ऑफ मनी। ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज या फिर नन ऑफ द अबव, राइट। ओके, सो हाई इन्फ्लेशन लेवल क्या आंसर होगा इसका, डेफिनेटली आपका हाई इन्फ्लेशन लेवल इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, राइट, मनी सप्लाई बढ़ रहा है तभी तो हो रहा है ना, सो ऑप्शन है इसका ए, क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, सब समझ में आ जाएगा। देन डैश कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विद रॉबर्स, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑथर्स के बारे में एसएससी खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो मैंने इसे इंक्लूड करा है, वीडियो के अंदर नहीं था ये, बट अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहां इंक्लूड कर दिया। ऑप्शन है आपके अमर्त्या सेन, प्रोफेसर ब्राह्मणन एंड वकील, प्रोफेसर जगदीश भगवती और प्रोफेसर की, किस इनमें से किस ऑथर ने अपनी बुक के अंदर इन्फ्लेशन को रॉबर्स के साथ कंपेयर किया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोफेसर ब्राह्मणन एंड वकील, क्लियर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स
इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के अपोजिट कौन सा इसमें से? ऑप्शन है आपके ए डिफ्लेशन, बी स्टैगफ्लेशन, सी रिसेशन या डी नन ऑफ द अबव. राइट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन बाय द वे क्या होगा, मतलब इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहता है, चीजें महंगी होती हैं, तो इन्फ्लेशन का अपोजिट मतलब चीजें सस्ती कम हो रही है. मतलब लाइफ से आज की रेट में अगर 100 रुपए किलो प्याज है तो कल को वो 80 रुपए किलो हो जाए. इसका मतलब क्या है, अगर आज से कंपेयर करें तो वो चीज क्या होगी, सस्ती होगी. तो इस ये इनमें से किस ऑप्शन के अंदर आपका जस्टिफाई हो रहा है? सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, दैट इज डिफ्लेशन. डिफ्लेशन इज बेसिकली नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन. क्लियर है? सी आंसर इज ए. देन अ गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डैश इन द डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन घटानी है तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेगी? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, उससे ये अंडरस्टैंडिंग मतलब क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ए कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी रिडक्शन इन रेपो रेट या डी नन ऑफ द अबव. राइट, अगर इन्फ्लेशन घटानी होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहली बात, लोगों के हाथ से मनी सप्लाई को कम करेगी, तभी इन्फ्लेशन घटेगी ना, तभी डिमांड घटेगी उनकी. सो ए कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस इट कैन डू, ये भी करेक्ट हो सकता है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो, इससे इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ेगी. रिडक्शन इन रेपो रेट, नो, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी. ये कैसे होगा, ये आगे फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे. एंड डी नंबर दो, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कट्स इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम आए, मनी सप्लाई डिक्रीज हो. आंसर इज ए. नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज, व्हेन द प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, मतलब चीजें सस्ती होती चली जा रही है. अगेन हिंट भी है यही, ऑप्शन ए डिफ्लेशन, बी स्टैगफ्लेशन, सी इन्फ्लेशन या डी None of the above. So the correct answer for this question is option A again, deflation. चीजें सब सस्ती होती चली जा रही है, प्राइस गिरता ही जा रहा है. Basically this is not a good for economy, by the way. Deflation is not at all good for the economy. Answer is A. Next, if too much money is changing too few goods, the resulting inflation is called as. Good question. NCERT में दिया हुआ question. If too much money is changing too few goods. सो ऑप्शन है आपके ए स्टैगफ्लेशन, बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डी सी डिमांड पुश इन्फ्लेशन या डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सी, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब सप्लाई लिमिटेड है लेकिन मनी सप्लाई ज्यादा, उसकी वजह से क्या होता है आपका डिमांड बढ़ती है. राइट, सी टू फ्यू गुड्स, गुड्स आर फ्यू मतलब सप्लाई इज लिमिटेड, बट टू मच मनी मतलब लोकल मनी सप्लाई ज्यादा तो डिमांड ज्यादा है, तो इस इन्फ्लेशन को क्या बोलोगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. राइट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर, द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर, ऑप्शन ए द इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बी इरेटिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ, सी डेफिसिट फाइनेंसिंग या डी ऑल ऑफ द अबव. राइट, ए द इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बी इरेटिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ, सी डेफिसिट फाइनेंसिंग या डी ऑल ऑफ द अबव. So the correct answer for this question will be option D, all of the above. सारे ही causes है India के अंदर specially आपकी inflation के लिए. Right? So the correct answer is option D, all of the above. Next, dash is an effective method to control inflation in the economy. Option है option A, CRR cash reserve ratio, B selective control of credit, C bank rate policy या D none of the above. Right? इनमें से कौन सा effective method है to control inflation in the economy? राइट, काफी चीजें इसमें से हमने कवर नहीं करी अभी, डोंट वरी, फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपका आ जाएगा. राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, सीआरआर. अब सीआरआर के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज एन इफेक्टिव टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इज मेजर बाय, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जा रहा होता है? ऑप्शन है आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मार्शल इंडेक्स या डी नन ऑफ द अबव. इसको कवर नहीं किया हमने, बट इफ यू कैन आंसर, डू आंसर इट, अदरवाइज ये कवर तो हो ही जाना है आपका फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हेन इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द रिजल्ट इज, व्हेन इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हम लेक्चर देखा तो उसी टाइम आंसर कर लोगे.
ऑप्शन है आपकी स्टैगफ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन या डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. राइट, सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो. राइट, बट जस्ट बिफोर एंडिंग आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कन्वे टू यू विच इज द माइक्रो कोर्सेज. राइट, सो वॉट आर माइक्रो कोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ सेक. राइट, सो माइक्रो कोर्सेज बेसिकली कहां पर फिट करते हैं कि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक टॉपिक समझ में नहीं आया आपकी प्रिपरेशन में, आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि लेट्स से क्वांट का कोई टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन है, कोई भी सिंगल टॉपिक है, आपको वो समझ में नहीं आया और अब आप उसके लिए कोर्स सर्च करना स्टार्ट करते हो, तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या आएगा कि आपको पूरा का पूरा कोर्स ऑफर किया जाएगा कि पूरा कोर्स परचेज कीजिए एसएससी सीजीएल का, विच इफ यू आस्क मी इज नॉट एट ऑल एफिशिएंट मैनर, क्योंकि आपको सिर्फ एक टॉपिक परचेज करना था और उसके लिए आपको पूरा कोर्स लेना पड़ रहा है, टॉपिक प्रिपेयर करना था, पूरा कोर्स परचेज करना पड़ रहा है, तो ये अफोर्डेबल भी नहीं है बिल्कुल भी. सो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा जो कि पहले से बेटर है कि आप सिर्फ क्वांट का मॉड्यूल परचेज कर लीजिए, तो ये डेफिनेटली पहले से बेटर है, अफोर्डेबल भी है. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप सिर्फ जो आपका टॉपिक वीक है उसके लिए ही आप प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ टॉपिक को परचेज करके विच इज वेरी मिनिमल, उसको पे करके आपने टॉपिक प्रिपेयर करिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए. दिस इज व्हाट माइक्रो कोर्स इज ऑल अबाउट. राइट, ये अभी पीडिया में बहुत ही इनोवेटिव इनोवेशन है. राइट, बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है आपके लिए. सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू एक्सेस द माइक्रो कोर्सेज. ओके, सो फॉर दैट लॉग इन टू अभीपीडिया वेबसाइट, अभीपीडिया.com पे लॉग इन करेंगे तो ये आपके सामने वेब पेज खुल जाएगा. फ्रॉम हियर चूज एग्जाम, स्क्रोल डाउन एसएससी सीजीएल एग्जाम, तो ये विंडो ओपन होगी आपके सामने, स्क्रोल डाउन, गो टू माइक्रो कोर्सेज. राइट, नाउ सी हियर, दीज आर द माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू. लेट्स गो टू क्वांट. राइट, क्वांट पे जाते हैं, जैसे हम क्वांट जाएंगे, सी मिक्सचर एलिगेशन नंबर सिस्टम, सो ईच एंड एवरी कोर्स, सारे के सारे टॉपिक्स रिलेटेड सारे के सारे कोर्स अवेलेबल है. राइट, जिस जो भी आपको सही लगे आप उसको अवेल कर सकते हैं. सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.